सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर यदि 8 देखना चाहते हैं या क्वेश्चन नंबर 9 देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्योंकि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियोज और चैप्टर को कवर करते हुए बनाऊं। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए पहले तो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में अवेन was purchased on 1st April 2018 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair. जो वैन थी वो 60,000 की खरीदी, कब, 1st अप्रैल को, और 5,000 उसके रिपेयर पर एक्सपेंस किया। तो टोटल वैन हमें कितने की पड़ी, 65,000 की। ऑन 1st अक्टूबर 2019 अनदर वैन वॉज परचेज्ड फॉर 70,000 ऑन 1st अप्रैल 2020। एक और वैन खरीदी, ठीक है ना, कब खरीदी, 1st अक्टूबर 2019 को। ऑन 1st अप्रैल 2020 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड फॉर 45,000 एंड न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2018-19 एंड 2021 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना, आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, एज्यूम द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। देखिए बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जो वैन है, एक खरीदी है हमने कब, 1st अप्रैल को। तो बस उसी वैन को खरीदने के साथ हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ऐसा वैन अकाउंट का लेजर बना लेंगे। 1st अप्रैल 2018 हमने टू बैंक अकाउंट, कौन सी, वैन वन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमने एक से ज्यादा वैन परचेज की है। तो वैन वन को लिखेंगे 65,000, 60,000 प्लस 5,000। क्लियर है। आप यहां पे क्या करेंगे, 2019 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप करके डॉट करके मैंने यहां लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, किसका, वैन वन का कितना परसेंट, 10%। तो कितना आएगा, जब आप 65,000 का 10% निकालेंगे तो 6,500 आएगा। ठीक है, यदि सिंपल परसेंट में दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट परसेंट निकाल लेना है। अब हम यहीं पर 31st मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना माइनस करके लिखिए, 58500, बस इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल पहले जैसी मेथड है। अब हम यहां पर 2019 में आ जाएंगे। 1st अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 58500। लेकिन 2019 में ही हमने क्या किया, 1st अक्टूबर को एक नई वैन खरीदी। कितने की खरीदी हमने, 1st अक्टूबर को खरीदी टू बैंक अकाउंट वैन टू, कितने की, 70,000 की। बस अब क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, किसका, वैन वन का और वैन टू का। डेट क्या रहेगी, 2020 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन वन और वैन टू। वैन वन का तो वही रहेगा 6,500 जो पहले था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब जो वैन टू है, वैन टू का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 70,000 का 10%। लेकिन लेकिन लेकिन
यहाँ पर 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो यहाँ पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों? 3500, मेंशन भी कर देना 6 मंथ, ठीक है। और टोटल कितना हुआ? 10,000 हम बाहर लिख देंगे। बस 31 मार्च को अब क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन V1 और V2। चलिए करिए, जो वैन वन है उसको उसके बैलेंस में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और वैन टू के बैलेंस में से वैन टू का कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए कितना आएगा? वैन वन का 52,000 और वैन टू का 66,500 और टोटल बाहर लिख देंगे हम 118,500 और दोनों का इक्वल कर देंगे। यहां तक तो क्लियर है ना? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और यदि कोई गलती हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी लिखने में मुझसे कुछ नंबर गलत हो जाते हैं, तो आप उसको अपने क्वेश्चन के अनुसार उसमें सुधार कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब ये जो बैलेंस है V1 और V2 का, दोनों वेन का, उनको हम कहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे? नेक्स्ट 2020 में ही, क्योंकि ये तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। जब हम 2020 में जाएंगे तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे क्लीन करके आपको आगे का बताऊंगी। अब क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैन वन कितने का? 52,000 का। वैन टू कितने का? 65,000 का। क्लियर, इनको प्लस करके बाहर लिख दिया 118,500। अब हमने क्या किया बच्चों? 2021 अप्रैल को एक और नई वैन खरीदी ना, तो उसे हम क्या नाम देंगे? वैन 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में वैन 3। कितने की खरीदी है ये? 1,70,000 की। लेकिन हमने क्या किया है, इसी साल जो पहली वाली हमने जो वैन खरीदी थी, कितने की खरीदी थी पहली वैन हमने? 2018 में 65,000 की जो वैन खरीदी थी, उसको हमने क्या किया बच्चों? सेल कर दिया। तो कितने में सेल किया? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये पहले 2020 1 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट कितना? 45,000, ठीक है। लेकिन हमने 45,000 में जो बेचा है उससे हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम वो जानने के लिए क्या करेंगे? 1 अप्रैल बाय P&L अकाउंट करके लिखेंगे। तो क्या करेंगे? बेचा कितने में? 45,000 में। थी कितने की? वैन वन 2020 में कितने की थी? 52,000 की। तो जब हम 52,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो भैया हमने तो कम में बेच दी ना, लॉस में बेच दी ना, तो हम यहाँ पर 7,000 रुपये P&L अकाउंट करके ब्रैकेट में लॉस करके मेंशन कर देंगे। क्लियर हुआ? अब हम आ जाएंगे 2021 में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बच्चों ध्यान रखनी है, 2020 का जब हम यहाँ पर सब कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? नेक्स्ट साइड जो क्रेडिट साइड है 2021, क्योंकि हम अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना। लेकिन यदि हम कुछ सेल कर रहे हैं उस साल में तो हमें यहाँ पर पहले 2020 मेंशन करना होता है, फिर जो भी डेट होती है उस हिसाब से यहाँ पर सब लिखना पड़ता है, और फिर जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं बाकी बची हुई मशीनरीज का तो उसे 2021 या जो भी नेक्स्ट ईयर है उसके हिसाब से मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम 2021 लिखेंगे, 31 मार्च लिखेंगे और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट V2 एंड V3। V2 का कितना था? देखिए आपने पहले यदि स्क्रीनशॉट लिया होगा तो V2 का कितना दिया हुआ था? 3500। लेकिन कितने महीने का था? वो 6 महीने का था। अब यहाँ पे तो भैया हमें पूरे साल भर का लिखना पड़ेगा, तो V2 का पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 7,000। और यहाँ पर क्या है, जो 1,70,000 है वो तो 1 अप्रैल को ही खरीदी है, तो जो उसका डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल भर का लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17,000, बाहर 24,000, ठीक है। अब 31 मार्च करके बाय बैलेंस V2 और V3 माइनस कर दीजिए 59,500 153,000 212,500
2880500 और इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए 2880500। यहाँ पर मैं ज़रूर ये नंबर्स लिखती हूँ लेकिन आप एक बार माइनस करके उन्हें चेक कर लिया कीजिए। यदि आपको लगे कि ये गलत लिखे हुए हैं तो आप उसको करेक्ट कीजिए। वैसे तो मैं एक बार चेक ही कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है कैलकुलेटर चलाने में, इसलिए मैं पहले से करके रखती हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और आपका क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी कवर करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अ कंपनी हूज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ऑन 1st जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग इज 30,000। मतलब जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1st अप्रैल 2018 से स्टार्ट होकर 31st मार्च 2019 तक चलता है, लेकिन 1st अप्रैल के बाद इन्होंने 3 महीने बाद 1st जुलाई 2018 को एक मशीनरी खरीदी। उसके बाद उसी अकाउंटिंग ईयर में 1st जनवरी 2019 को इन्होंने एक और मशीनरी खरीदी, लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया और जब 1920 वाला अकाउंटिंग ईयर आया तब इन्होंने 1st अक्टूबर 2019 को 10,000 की एक और मशीनरी खरीदी। आया समझ में? बड़ा टिपिकल सा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तब फिर से समझ लेंगे। ऑन 1st अप्रैल 2020 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1st जुलाई 2018 बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड 3,000। चलिए ये भी समझेंगे। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएट बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड 10% पर एनम। What would be the value of machinery of 1st April 2021? Question ही इतना typical है, answer कितना typical होगा? अच्छे से समझते हैं फिर से। Accounting year कितना था? 1st April 2018 to 31st March 2019। Clear? ये अकाउंटिंग ईयर से कंपनी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2018, क्योंकि 2018 से स्टार्ट हुई। सबसे पहली मशीनरी कब खरीदी गई? 1st जुलाई को। ठीक है, 1st जुलाई को खरीदी गई टू बैंक अकाउंट। लिखेंगे क्या? मशीनरी वन। कितने की? 30,000 की। सेकेंड मशीनरी कब खरीदी गई? 1st जनवरी 2019, लेकिन अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? यही वाला है ना अकाउंटिंग ईयर। तो हम यहां पर 2018 में ही हमें उस मशीनरी को मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 1st जनवरी को एक मशीनरी और खरीदी है। तो यहां पर हम 2018 में ही 1st जनवरी को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M2। कितने की? 20,000 की। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 2019 और 2018, मतलब 2018-19 एक ही अकाउंटिंग ईयर है। तो हम बहुत सी बार अक्टूबर में नवंबर में खरीद लेते हैं ना, तो अक्टूबर नवंबर में ना खरीद के उन्होंने 1st जनवरी को खरीदी 2019 को, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर तो 2018 का ही है ना, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ऐसे मेंशन किया है। क्लियर हो गया ना? अब बस इसका डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। 31st मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम मशीनरी वन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब खरीदी है? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ का निकलेगा? 9 मंथ का। ठीक है ना, वो कितने परसेंट के हिसाब से? देखिए क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। 10% दिया है ना मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30,000 का 10% 9 मंथ के लिए। करिए कैलकुलेशन, 2250। ये मशीनरी वन हो गई। क्लियर? अब हम आ जाएंगे मशीनरी टू पे। मशीनरी टू में भी क्या है, हमने 1st जनवरी को खरीदी है। तो 1st जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ के लिए हमने खरीदी है। कितने की है मशीनरी? 20,000 की। मतलब 3 मंथ के लिए खरीदी नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन 3 मंथ का लगेगा। 10%
और 3/12। क्लियर। तो एम टू मशीनरी कितने की निकली? 500 रुपए की। हो गया ना, यहां तक क्लियर हो गया। टोटल कितना आया? 2750। अब यहां पे क्या करेंगे, 31 मार्च करके ही बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे। M1 और M2 कितना है, माइनस करिए 2750, 19500, 47250। बस प्लस कर लीजिए, दोनों साइड का बराबर कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ का भी 50,000, यहाँ का भी 50,000। ठीक है, अब कहाँ पर आ जाएंगे हम, 2019 में। ये तो हमने 2019 का डेप्रिसिएशन निकाला, तो अब हम 2019 में आएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में करते जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका क्लीन करके फिर से आगे का बता दूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस ले आए ना, ये बैलेंस ले आए। अब हम क्या करेंगे, हमने एक और मशीनरी इसी साल खरीदी, कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2019 को। अब आप बोलेंगे मैडम हमने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया 31 मार्च को तो अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया ना, तो जो 1 अक्टूबर वाली मशीनरी है वो 31 मार्च के बाद, अक्टूबर मार्च के बाद ही आता है ना, इसलिए हमें उसे 2019 में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M3, कितने की, 10,000 की। बस अब कितनी मशीनरी हो गई, M1, M2 और M3, तीनों का यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ना तो कुछ बेचा है ना कुछ एडजस्टमेंट हमको करना है। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2 एंड M3 करिए बच्चों। M1 का कितना निकलेगा, 3,000। M2 का कितना निकलेगा, 2,000। बात को ध्यान रखना है कि हमने जो पहले डेप्रिसिएशन, मान रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन हमने जो पहले डेप्रिसिएशन निकाला है वो सिर्फ उतने ही मंथ का निकाला है। जो हमने जुलाई में खरीदी थी उसका हमने 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, जो हमने जनवरी में खरीदी थी उसका हमने 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमें सिर्फ नॉर्मल जो मशीनरी है, जैसे 30,000 की मशीनरी थी तो उसका हमें 10% लगाना है 3,000, उसके बाद 20,000 की थी उसका भी 10% लगाना है हमें 2,000। अब जो M3 है वो कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो यहाँ पर उसका हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन अगले साल पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्लियर। तो M3 यहां पर कितना लगेगा, 500, ब्रैकेट में लिख दो भैया 6 मंथ। अब बस माइनस कर लीजिए फटाफट, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 M2 M3 24। आप करके देखिएगा बच्चों, कैलकुलेटर लेके बैठिए और आप करके देखिए, यदि मिस्टेक है तो आप क्लियर कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए, मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैडम आपने ये गलत लिख दिया है। ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पर 57250 कर दिया, 57250। ठीक है, अब हम आ जाएंगे 2020 में। 2020 का तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब हम 2020 ईयर में आ जाएंगे। तो बच्चों इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसे क्लीन करके 2020 में पहुंचूंगी। इस तरह से बच्चों 2020 में ये तीनों बैलेंस हम M1, M2 और M3 के लेकर आ गए। अब 2020 में ही बच्चों क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 में हमने जो पहली मशीनरी खरीदी थी 1 जुलाई 2018 में, ठीक है ना, उस मशीनरी का कुछ पार्ट खराब हो गया। मतलब कितना पार्ट, 1/3 पार्ट खराब हो गया, तो हमने उसे 3,000 में बेच दिया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैंक अकाउंट। अब हमने ये 1 अप्रैल को बेचा, अब इस 1/3 पार्ट को यहां पर 1/3 पोर्शन भी लिख देना, आप क्लियर रहेगा चेक करने वाले को। तो अब जब आपने 1/3 पोर्शन सेल कर दिया 3,000 में, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भैया उसका 1/3 पोर्शन का वैसे कितना हो रहा था, और हमने जब उसे 3,000 में सेल किया तो हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भैया हम ये चेक करेंगे कि हमें जब हमने 3,000 के लॉस में या प्रॉफिट में जब सामान बेचा तो क्या हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल
2020 को बाय P&L अकाउंट। अब ये कैसे निकालेंगे वो पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। जो M1 मशीनरी है 24750 की है, कब 2020 में, इसका 1/3 पोर्शन हमने बेच दिया कितने में, 8250 का 1/3 हुआ 8250। अब इसकी सेल वैल्यू कितनी थी, 3000 थी ना। अब जब हमने माइनस करके देखा तो अरे भैया हमें पता चला कि 5250 का तो यहां पर लॉस हो गया ना लॉस। और इस लॉस को हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस करके। इस तरह से हमें पता चला कि यहां पर हमें वो मशीनरी बेचने पर लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 5250 का हमको लॉस हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम 2021 में चले जाएंगे, वो 31 मार्च को वही डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तीनों मशीनरी का। अब आप बोलेंगे मैडम तीनों का क्यों, क्योंकि भैया M1 जो मशीनरी है उसका हमने सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है, 2/3 पार्ट अभी भी वो हमारे पास ही है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2/3 पार्ट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप 30,000 का 10% और 2/3 पार्ट तो कितना आएगा, 2000। तो M1 कितना हो गया, 2000 हो गया, M2 कितना हो गया, 2000 था ही, और M3 जो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले निकाला था उसे साल भर का करके यहाँ पर 1000 कर देंगे तो बाहर कितना आ गया, 5000। बस अब बाय 31 मार्च करके ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2 एंड M। देखिए बच्चों ये जो M1 मशीनरी है इसका हमने 1/3 पोर्शन तो बेच दिया है, अब जो 2/3 पोर्शन है वो बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस मशीनरी जो M1 दिया हुआ है 24750 इसका हम क्या करेंगे, 2/3 निकालेंगे। तो आप निकालिए 24750 कहाँ पर लिखूं, 24750 इसका 2/3 निकालेंगे तो आएगा बच्चों 16500, और जब हम 16500 में से 2000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14500। फिर नेक्स्ट वाले का कितना आएगा, 15500 और 8500, 38500। और यहाँ पर दोनों इक्वल कर देंगे, 51750 51750। क्लियर हुआ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लेकिन अच्छे से देखिएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।